श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, जैसा कि कल मैंने आपको नारद जी का विचार और जिस प्रकार से पार्वती जी को वर मिलेगा वो सारी चर्चा कल की कथा में की, आज की कथा पार्वती जी तपस्या करने के लिए जाएंगी, तो अब माँ पार्वती जी और भगवान शिव विवाह की कथा इस प्रकार से है। गोसाई जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयो आगिल चरित सुनहु जस भयो। इतना कहने के बाद नारद जी समझाकर पार्वती को चले जाते हैं, तो अगला फिर इस प्रकार से चरित्र हुआ, कैसी कथा है सो इस प्रकार से है। पति एकांत पाई का हमैना नाथ न मय समुझे मुनि बहना। मातेश्वरी पार्वती की माता मैना जी ने जब हिमांचल को अकेले में पाया, तो अकेले में जब हिमांचल से मिली तो सज्जनों पहले की कुछ मर्यादा ही ऐसी थी कि पति और पत्नी जो है जब कहीं बात भी करना होता था तो एकांत में ही बात करते थे। जब गांव की या कि हिमाचल की और स्त्री और पुरुष थे तब मैना ने कुछ नहीं कहा, जब मैना और हिमाचल एकांत में मिले तब मैना ने हिमाचल से कहा, क्या कहा, ऐ स्वामी मैं महात्मा नारद की बात समझ नहीं पाई, स्वामी कन्या के विवाह के लिए जो घर वर कुल, अरे जो घर वर कुल होए अनुपा सुता विवाह करिए अनुरूपा, न त कन्या वर रहु कुमारी कंत उमा मम प्राण प्यारी। स्वामी मेरी पुत्री पार्वती के लिए विवाह के लिए जो घर वर और कुल तीनों अनूप हों, जिसकी उपमा ना दी जा सके, जिस प्रकार से कि मेरी पुत्री की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है, ऐसी सुंदर और सुशील है, उसी प्रकार से उसका घर बार और खानदान भी होना चाहिए जिसकी उपमा दूसरा कोई हो ना। यदि ऐसा नहीं मिलता है तो मैना कहती है न त कन्या बरु रहु कुमारी, चाहे मेरी कन्या कुमारी रह जाए लेकिन जब तक योग्य घर बार और कुल नहीं मिलेगा तो शादी करने के लिए हम तैयार नहीं। जो न मिलहिं बर गिरिजहि जोगु, आगे कहती हैं जो न मिलहिं बर गिरिजहि जोगु गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। यदि पार्वती के अनुरूप पर नहीं मिलता है तो सामान्यतः लोग ऐसे कह देंगे कि पर्वत है, पहाड़ है, पत्थर है, क्या उस पत्थर में क्या हृदय थोड़ा होता है। इसलिए सोई विचार पति, सोई विचारी पति करे वो विवाह हो, जही न हो जही न बहोरी हो ये उर्दा हो। ऐसा इसलिए विचार कर स्वामी विवाह कीजिएगा ताकि पीछे फिर बाद में पश्चाताप न करना पड़े। अस कही परी चरण धरिसी सा, लिखा है अस कही परी चरण धरिसी सा बोले सहित स्नेह गिरीसा। इतना कहने के बाद मैना जी हिमांचल के चरणों में सर रख देती हैं बड़े प्रेम से। हिमांचल कहते हैं बड़े प्रेम से, हिमांचल भी जवाब दे रहे हैं, बरुपावक प्रगटे ससी माही नारद वचन अन्यथा नाही। मैना चाहे
चंद्रमा में अग्नि, चंद्रमा अग्नि नहीं उगल सकती है, शीतलता उगलती है, लेकिन चाहे चंद्रमा में अग्नि उगलने लगे, चंद्रमा अग्नि उगलने लगे, लेकिन नारद के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच सब परिहरहु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जही सोई करी हैं कल्याण। मैं हिमांचल कहते हैं महिना, पार्वती के विषय में तुम चिंता छोड़ दो, क्योंकि जिस परमात्मा ने, जिस विधाता ने पार्वती को बनाया है ना, वो कल्याण भी करेगा। अव जो तुम ही सुता पर ने हो तो अस जाय सिखावन दे हो। अब यदि तुम्हें अपने पुत्री पार्वती पर असने है तो जाके शिक्षा दो। क्या शिक्षा दो? करई सो तप जही मिलही महेशु, आन उपाय न मिटी कलेशु। जाके तपस्या करे जिससे भगवान शिव उसे प्राप्त हों, दूसरे प्रकार से उस ये कष्ट दूर नहीं हो सकता। अब और शंकर के विषय में तुम शंका न करो, सब प्रकार से अकलंक हैं, कोई कलंक शंकर के पास नहीं है। अब हिमांचल की बात मान करके मैना बड़े खुशी से पार्वती की तरफ गई। जब पार्वती के पास गई तो पार्वती की अवस्था देख करके और सहम गई कि पुत्री को किस प्रकार से कहा जाए कि तपस्या करने के लिए जाओ। लिखा है उमा ही बिलो की नयन भरी बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पार्वती को देखकर आंखों में आंसू चलने लगे मैना के, अब बड़े स्नेह से पार्वती को गोद में बैठा लेती हैं। बार ही बार लेती उर लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई। बार बार पार्वती को हृदय से लगाती हैं, गला रुंध जाता है, कुछ बोल नहीं पाती हैं। जगत मातु, लिखा है जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली प्रिय वाणी। अरे पार्वती जी तो जगत की माता हैं, सब कुछ जानने वाली हैं, वो सब समझ गई। तो पार्वती जी अपने से ही कहना चालू कर देती हैं। क्या कहती हैं? सुनहु मातु मैं दीखे अस सपन सुनाबहु तो ही, सुंदर गौर सो विप्रवर अस उपदेश मोही। अय माता जी, आज मैं रात में सपन देखी हूँ कि मानो कोई एक गोरा रंग का ब्राह्मण आया है, अब मुझे उपदेश कर रहा है, कह रहा है कर ही जाई तपसैल कुमारी, अनारद कहा सो सत्य बिचारी। ऐ शैलराज की पुत्री जाके तुम तपस्या करो, नारद की बात सही मानो। क्यों? तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता। तपस्या के बल से ही विधाता इस सृष्टि की रचना करते हैं, तपस्या के बल से ही विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। तपबल शंभु करहिं संघारा, तपते अगमन कछु संसारा। और तपस्या के बल से ही शंकर भगवान इस सृष्टि का संहार भी करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी। वो पंडित जी ये कह रहे थे माता जी हमसे कि तप के आधार पर पूरी सृष्टि है ये, इसलिए जाके तुम तपस्या करो। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, अचली उमा तप हित हर हर साई। माता पिता को उस प्रकार से संबोधन दे करके अपने आप पार्वती जी तपस्या करने के लिए चल देती हैं। अब जब पार्वती जी चल देती हैं तो तमाम शोक हो जाता है, तो वेद शिरा ने आकर समझाया कि ये जगत की माता हैं, शंकर भगवान जगत के पिता हैं, इनके चक्कर में दुखी न हो, उनको सब सुलभ हो जाएगा, उन तपस्या में कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। अब यहाँ पार्वती जी तपस्या चालू कर देती हैं। लिखा है उर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। जंगल में जाकर पार्वती जी शंकर भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके तपस्या चालू कर देती हैं। कैसा तपस्या करती हैं?
सीताराम अति सुकुमार नतन तप जोगो पति पद सुमेरी तजेव सब भोगो। पार्वती जी का शरीर अत्यंत सुकुमार है लेकिन तपस्या के लायक शरीर नहीं है, लेकिन पति के चरण में इतना प्रेम इतना अनुराग हो रहा है कि सारे भोग छोड़ करके अब माँ पार्वती ने तपस्या में मन लगा दिया। नित नव चरण उपजे अनुरागा बिसरी देह तपही मन लागा। रोज रोज अधिक उत्साह तपस्या में बढ़ रहा है। सम्मत सहस मूल फल खाए साग खाई सत वर्ष गवाए। लिखा ये है कि 1000 वर्ष तक मूल फल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। इतनी कठोर तपस्या माँ पार्वती जी कर रही हैं, फिर भी जब शंकर भगवान नहीं मिले तो कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई 3 सहस सम्मत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, यानी बिना कुछ खाए जल और सिर्फ हवा के सहारे तपस्या की, और कुछ दिन जो बेल के पत्ते सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्होंने उसे खाकर कठोर तपस्या की माँ पार्वती ने। फिर भी भगवान शिव नहीं मिलते हैं तो और कठोर तपस्या चालू कर देती हैं। कैसा? पुनि परिहरे उ सुखाने उपरना उमा नाम तब भय उपरना। तब जो सूखे हुए पत्ते को खा के तपस्या करती थी उनको भी छोड़ दिया, सिर्फ वायु भक्षण करके तपस्या करने लगी। तब आकाशवाणी हो गई, क्या हुई? भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमारी परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरारी। अय पार्वती, आकाशवाणी होती है, अय पार्वती तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया, अब इस कष्ट को छोड़कर तुम घर जाओ, तुम्हें अब शंकर भगवान से मुलाकात होगी। अस तप का हुनकीन भवानी, और आकाशवाणी होती है क्या? अस तप का हुनकीन भवानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अय पार्वती, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, यद्यपि इस पृथ्वी पर एक ऐसे धैर्यवान तपस्या करने वाले हुए लेकिन ऐसी तपस्या किसी ने किया ही नहीं। उर्धरियो सीताराम उर्धरहु ब्रह्म वर वाणी सत्य सदा संतत सुचि जानी। यह ब्रह्मा की ये वाणी है, इसको हृदय में धारण करो जो हमेशा सत्य होती है। आवय पिता बोलावन जवही हठ परिहरि घर जायो तवही। आकाश वाणी होती है कि अब जब पिताजी आपको बुलाने आए तो ये हठ को छोड़कर घर चली जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिर जा हरसानी। अब जब आकाशवाणी पार्वती जी सुनती हैं तो हर्षित हो जाती हैं। अब यहाँ तक तुमा चरित सुंदर मय गावा सुनहु संभक संभु कर चरित सुहावा। अभी तक तो मैंने ये पार्वती जी की चरित्र की चर्चा की, अब आगे शंकर भगवान की तरफ आइए। अब शिव जी क्या कर रहे हैं? जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा। जब से सती जी का शरीर का अंतिम हो गया था तब से भगवान शिव के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। और क्या करते थे? जप ही सदा रघुनायक नामा जहाँ तहाँ सुन ही राम गुण ग्रामा। हमेशा भगवान का नाम लेते थे और जहाँ भगवान की कथा होती थी वहाँ चले जाते थे। इसी समय शंकर भगवान ने काकभुसुंड के यहाँ कथा सुनी थी। ये प्रसंग आगे आएगा। पार्वती जी ने पूछा कि स्वामी ये राम कथा आपने कब सुनी काकभुसुंड से? तो शंकर भगवान पार्वती को बताएंगे कि उस समय जब तुम सती के शरीर में थी, और आगे चर्चा फिर आगे बताएंगे। तो
इसी समय शंकर भगवान वहाँ जा कर के नीलगिरी में जा कर के और काकभूषण से राम कथा सुने थे। बीच में बताने का मेरा एक तारतम्य ये है। आगे अब जो है भगवान शिव का चरित्र कल सुनाएंगे। जय श्री राम।